छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। सिर बीच से गंजा कर चाकूबाजों का निकला जुलूस, मर्डर करने नेता को मार दिया था चाकू, ऑटो संघ के सचिव को दी थी धमकी। रायपुर में कुछ आपराधिक किस्म के लड़के ऑटो चालक बने घूम रहे हैं। इसी किस्म के कुछ बदमाशों ने शनिवार रात एक घटना को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने पहले ऑटो संघ के सचिव पर चाकू से हमला करने की धमकी दी। इसके बाद संगठन के एक नेता का रास्ता रोककर उसकी हत्या करने की नीयत से वार कर दिया। ये सभी हमलावर ऑटो चालक हैं, जो घायल हुआ वो भी ऑटो चालक। अब रविवार को इस कांड का पता लगते ही पुलिस हरकत में आई। इन बदमाशों को पकड़ा गया, थाने लाकर पुलिस ने इनकी पूछताछ की। फिर उसी जगह पर इनका जुलूस निकाला गया, जहां इन बदमाशों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। सभी बदमाश युवकों की हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया गया था। इनके सिर को बीच से गंजा कर दिया गया था। मामला रायपुर के रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड से जुड़ा है। रेलवे स्टेशन के तेलघानी नाका चौक के पास स्थित है होटल राजपुताना। यहीं बीती रात 10 बजे इन बदमाशों ने ऑटो संघ के नेता को चाकू मारकर हत्या करने की कोशिश की। नेता का नाम हनुमान दास मानिकपुरी है। हनुमान ने पुलिस को बताया कि ऑटो रिक्शा संघ के सचिव संजय शर्मा को ऑटो चालक मोनू और उसके सात साथियों ने चाकू मारने की धमकी दी। आपसी झगड़े की वजह से उन्होंने ऐसा किया। मोनू और उसके साथियों को समझाने हनुमान उनके पास गया। शाम के वक्त उसकी बात हुई और मोनू लौट गया। फिर रात 10 बजे राजपुताना होटल के पास मोनू ने हनुमान का रास्ता रोककर घेर लिया और धारदार चाकू और पत्थर से हमला कर दिया। हनुमान के पेट, पीठ, भुजा, कमर के ऊपर चाकू से कई वार किए गए। इस वक्त हनुमान का इलाज चल रहा है। इस केस में गिरफ्तार हुए बदमाशों ने रायपुर से आउटर बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी में किराए पर मकान ले रखा था, यहीं छुपकर रह रहे थे। इनमें मोनू उर्फ आरिफ खान, ऋतिक केशरवानी, आरिफ आलम, फदीन खान और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया है। इनके खिलाफ पुलिस ने धारा 307, 147, 148, 149 और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इनके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है। इनकी बाइक को भी पुलिस जब्त किया है।